नमस्कार, आपका इस शो पर हार्दिक स्वागत है जिसका नाम है लाइफ ऑफ अ मेडिटेटर। मेरा नाम है गरिमा और मेरे साथ हैं आज डैलस की एक जाने माने व्यवसायी, एक पिता, एक पति, एक पुत्र, जिन्हें हम भली भांति जानते हैं, किंतु जो हम नहीं जानते वो ये है कि ये एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ एक ध्यानी और एक ध्यान गुरु भी हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं फाइनेंशिया और ठक्कर डेवलपर्स के ओनर श्रीमान पूर्वेश ठक्कर का, या फिर यूं कहें कि स्वामी आत्मा पारितोष। कैसे स्वागत किया जाए आपका आज? वेल, परिचय तो आप कुछ भी करवा लीजिए, मैं चाहूंगा कम्युनिटी मुझे उनके एक मित्र या दोस्त की तरह पहचाने। सो फ्रेंड ऑफ अ कम्युनिटी इज व्हाट आई वुड लाइक टू बी। वेरी नाइस। सो अब आपने फ्रेंड की तरह कहा है, दोस्त कहा है, तो दोस्तों के पास तो जाहिर है दोस्तों के काफी राज होते हैं, और मेरे पास भी आपका एक राज तो है, तो आप ही बताइए कि मैं बता दूं वो राज या आप खुद बताएंगे। Well, आप ही बता दो, अगर आपके पास राज है तो राज आप ही खोल दीजिए। पर मैं चाहूंगी कि आप ही बताएं। ठीक है। I would like to let the community know, this week I had my 40th birthday and for that reason I am here with you talking and giving this interview to share something with the community and friends of this community. ये हो ही ना बात, आपको आपके बर्थडे की, आपकी 40वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ फाइनेंशिया। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, कैसी रही आपकी ये 40 वर्षों की यात्रा? So, how do you feel after completing 40 years? Well, काफी लंबी रही। 40 साल लंबी रही, ऐसा कहा जा सकता है। I'm sure. Well, I feel amazing and I feel grateful for where am I at right now. मैं जहां हूं वहां मुझे एक आभार का भाव आता है, एंड आई फील ग्रेटफुल टू एवरीथिंग, जो चीज़ है चारों तरफ, बिजनेसेस, द सक्सेस वी हैव हैड एंड ऑल ऑफ दैट। बट डेफिनेटली इट वाज लॉट ऑफ हार्ड वर्क,
एंड लॉट ऑफ सैक्रीफाइसेस एंड काफ़ी मेहनत रही इन 40 सालों में. कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई रिग्रेट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहें कि दोबारा हो तो आप हमारे साथियों से शेयर करना चाहेंगे? देखो, रिग्रेट वाली तो कोई बात है ही नहीं. अगर रिग्रेट होता तो मैं यहाँ ना होता, आज जहाँ बैठा हूँ. अगर कोई चीज़ मैं चेंज कर लेता, द रिपल इफेक्ट ऑफ इट कैन बी डिफरेंट. तो देन एक छोटी सी चीज़ जीवन में अगर चेंज की जाए आज से 20 साल पहले, उसी वजह से आज आदमी कहाँ का अलग जगह हो सकता है. तो ऐसे रिग्रेट तो कोई नहीं है, बट डेफिनेटली देर आर एरियाज वेर आई वुड हैव आई विश आई कुड हैव स्पेंड लिटल मोर टाइम एंड आई वुड नाउ गोइंग फॉरवर्ड. आगे जाते हुए मैं इन्हीं चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा और विल लाइक टू डू मोर इन दोज एरियाज वेर मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ ज़्यादा किया होता तो बेहतर होता. अच्छा, बाहर से देखा जाए तो आई थिंक कि आपकी फैमिली को काफ़ी सक्सेसफुल कंसिडर किया जाता है, और जैसे कहते हैं ना कि आपके पास नाम है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, क्या नहीं है आपके पास. तो जिसकी एक इंसान कल्पना करता है वो सब कुछ तो है आपके पास. तो ऐसा कौन सा एक एरिया है वेयर यू थिंक यू हैव यू नीड टू वर्क अपॉन? सी, फ्यू थिंग्स दैट गिव मी लॉट ऑफ जॉय, डेफिनेटली नाम, पैसा, शोहरत. आई एम हैप्पी, आई एम मेडिटेटिंग एंड वेरी कंटेंटेड इन द एरियाज. बट फ्रॉम वेरी अर्ली एज देयर आर कपल थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू, लिटिल बिट ऑफ सिंगिंग. आई लाइक सिंगिंग, सो आई वुड लाइक टू लर्न दैट, स्पेंड मोर टाइम डूइंग दैट. आई लाइक डांसिंग, सो आई वुड लव टू लर्न सम ऑफ दैट. Along with that, in last 40 years, most of the time, we worked very hard, 12 hours, 16 hours a day. So, इतने 16 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे काम कर करके, तो ऐसा एक मौका नहीं मिला कि कुछ friendships बना सकूँ. So, उस area में मुझे हमेशा लगा कि I was little bit careless. काफ़ी friends बने, but मैं इतना energy और time dedicate ना कर पाया कि भाई चलो. Every relationship, friendship takes time and energy. So, पिछले 40 साल में कई फ्रेंड्स बने, इंडिया में थे जो छोड़ के आ गए, फिर टच छूट गया, फिर कॉलेज में गए तो वहाँ टच छूट गया, जॉब पे भी ट्रांजिशंस एंड लॉट. 20 ईयर्स आई वर्क इन कॉर्पोरेट अमेरिका, और उसमें तो कई बार ले ऑफ्स होते हैं, ये होता है, वो होता है. तो कभी ऐसी एक फ्रेंडशिप बनाने की डेप्थ में नहीं बन पाई. तो ऐसा लगा कि 40 साल में अभी मैं आके यहाँ देखता हूँ तो ऐसा नहीं है कि सम एवरीबडी हैज फ्यू फ्रेंड्स, टू मे बी थ्री, who they are very deeply connected. तो मुझे ऐसा लगता है कि I would want to spend a little more time building those deep friendship with selected few people. Yeah, maybe whole community. I don't know. I don't know where life takes me, but definitely I would like to invest into friendship a little more. Sure. जैसे मैं बता रहा था कि friends when I miss them is, जैसे कि मुझे कोई activity करनी हो, घूमने जाना हो, like-minded activity हो, hangout होना हो and do something. So particularly I like to travel. Kuch jagah hai jo main dekhna chahta hu, jana chahta hu, but I would always like to be in that company of this group of friends that I would have created, to hang out with them, like minded people to travel with, hang out with, have fun with. So ye ek cheez hai jis area mein I would like to work on, which I couldn't get in last 40 years. ऐसी कौन सी एक्टिविटीज, क्या प्लेसेस आप विजिट करना चाहेंगे? So, मेरा हमेशा से ये रहा है कि जब भी मैंने वैकेशन लिया, ऐसे तो मैं ऑलमोस्ट हाफ, मोर देन हाफ द वर्ल्ड हैव ट्रैवल्ड, बट इंडिया की कुछ जगह है जहाँ मैं नहीं ट्रैवल कर पाया, और कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस है और एडवेंचरस भी है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट. नॉट दैट आई वांट टू क्लाइंब इट, बट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो टू बेस कैंप एंड विजिट मानसरोवर, एंड देन आई वुड लाइक टू गो टू मथुरा. आई हैव नेवर बीन देयर. I would also like to go to Taj Mahal. I have not seen that. So there are a few places in India which are very beautiful, and they have natural beauty. Along with that, there is some spiritual significance to some of those places. Mm-hmm. So I would like to visit them. Well, that touches my heart. जो कहते हैं कि माता पिता से आप माता पिता को choose नहीं कर सकते. नहीं. लेकिन friends are the family that you choose on this earth. I think that is very right. देखो, माता पिता तो आपको बर्थ के साथ मिलते हैं, भाई बहन सब बर्थ के साथ मिलते हैं, बाकी कंट्री, नेशनैलिटी, रिलीजन भी आपको बर्थ के साथ मिलता है. मित्रता एक ऐसी चीज़ है जो इंसान अपने दिल से चुनता है, और अच्छे मित्रों का होना
ऐसा है कि जैसे कोई सफर पे आप जाते हैं, इफ यू हैव अ गुड कंपनी योर जर्नी बिकम्स जॉयफुल. द सेम वे यू गेट टू शेयर थिंग्स, यू गेट टू केयर फॉर ईच अदर एंड हैव फन. सो ये चीज मैं मानता हूँ और मेरे अनुभव में रही है. तो दिस नेक्स्ट फ्यू इयर्स आई वुड इन्वेस्ट इनटू दैट. तो आपका आपके फ्रेंड्स के लिए जो कि ट्रेजर्स हैं मैं कहूँगी लाइफ के, उनके लिए कोई मैसेज कोई आप देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? वेल, जो फ्रेंड्स अभी मेरे साथ हैं उनके साथ तो मैं थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर ही रहा हूँ. आई वुड लाइक टू स्पेंड मोर टाइम विद देम. जो अभी नहीं है साथ किसी वजह से, जैसे बचपन में घर शिफ्ट कर लिया या कंट्री शिफ्ट कर लिया या फिर जॉब चेंज हो गए, बिजनेस चेंज हो गए, तो ऐसा होता है कि मैनी फ्रेंड्स यू मेक बट दे आर नॉट देयर विथ यू एंड दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ. हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी होती है, सो दे मूव ऑन. सो उनके लिए मेरा मैसेज रहेगा, भाई कभी याद करो तो फोन कर लिया करो. ऐसे हो सकता है मैंने ना किए हो, उसने मुझे माफ भी कर दो और अपनी तरफ से मुझे फोन कर लिया करो. सो दैट विल बी माय मैसेज टू माय फ्रेंड्स हु आई मिस समटाइम्स एंड वुड लाइक टू बी विद. सो तो पूर्वेश, आप अपने सुनने वालों से बताइए कि व्हाट इज वन थिंग दैट यू रियली ट्रेजर इन दीज 40 इयर्स, व्हाट इज दैट वैल्यूएबल थिंग दैट रियली मैटर्स टू यू, और आपके आने वाले सालों में आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? सी, आई डोंट ट्रेजर थिंग्स, तो चीजों से मेरी इतना लगाव नहीं है. बट या कुछ चीजों से भी लगाव कभी होता है इफ देयर आर मेमोरीज विद देम, राइट? So if there are beautiful memories to remember, so चीज़ों से और जगहों से मेरा लगाव ऐसे कम रहा है, but wherever I have those memories, wherever I have those moments of silence I might have spent, where I did not have words to express, I did not have words to thank, those moments with friends, with family, with people, there are quite a few of those, so I cherish them. And I love to be with them and keep them and close to me. Very nice. Then I also like to create more. So I don't only live in past, because being a meditator, I understand life past is gone, future is not here. So I like to keep creating more of those moments all the time. So that way, not only that I have treasures and treasures and treasures, I will be rich for the future. I will create treasures for people around me, who I meet, people who I become friends with, people who I am related to, people who I do business with. For them also, I want to leave the treasures of beautiful memories spent together. So everyone I met, I want to distribute the treasures of wonderful memories. At the same time, I would cherish those that they gave me. Right. So, लोग जैसे मेरे जैसे, जैसे मुझे पता है कि मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड फॉर योर मेंटल बैलेंस, फॉर योर वर्क लाइफ बैलेंस, फॉर एवरीथिंग. बट मेरे जैसे लोग जो जॉब पर भी जाते हैं, फैमिली का भी ध्यान रखना है, लेकिन वो कर नहीं पाते बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है. तो वो कैसे स्टार्ट करें, कि क्या ऐसा करें कि वो कर सकें इस चीज़ को फॉलो? और फिर इस दुनिया में एक चीज लोग कंप्लेन सबसे ज़्यादा करते हैं, टाइम नहीं है. और जब उनको पूछा जाए क्या कर रहे हो, तो टाइम पास कर रहे हैं. सोचोगे तो मैं लोगों से कई बार पूछता हूँ, सी टाइम है ना, जो चीज़ हमें भा जाती है ना, अच्छी लगने लगती है, उसके लिए टाइम निकल आता है. जैसे किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, उसके लिए टाइम निकल आता है. किसी को सोना अच्छा लगता है, मेरे कई फ्रेंड्स हैं दे लाइक टू स्लीप, मतलब ऐसे टाइम नहीं है, सोने के लिए 12 घंटे भी निकल जाते. सो आई थिंक मैं चाहूँगा कि हर किसी को ध्यान का कुछ अनुभव हो, मेडिटेशन का कुछ एक्सपीरियंस हो, क्योंकि टाइम तभी निकलेगा, कुछ एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उस अनुभव के पीछे टाइम हम निकाल पाएंगे. तो एक बार ट्राई करें. वंस यू हैव ग्लिम्सेस ऑफ मेडिटेशन, देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल, नथिंग मोर पीसफुल, लविंग, केयरिंग एनवायरनमेंट दैट इट क्रिएट्स, नथिंग मोर डज इट देन मेडिटेशन वुड. This meditation brings awareness, because another thing I will tell you, with meditation awareness will come, and us awareness se aapka time badhega din mein. Koi bolega 24 ghante to 24 hi rahenge, bilkul, but kai jagah aisa hai ki hum itne dhyanmay nahi hai, so we lose lot of time. Right. Our productivity, efficiency and able to deliver goes down, so we lose so much time that we don't realize it. Meditator is able to achieve more in same 24 hours, because his presence of mind is there, he's able to do a lot of things together at same time.
सो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू से दैट टाइम निकल आएगा. अगर आप एक घंटा मेडिटेशन में इन्वेस्ट करते हो तो आपके 23 घंटे में आप 26 घंटे जी लोगे. बिकॉज यू लव 4-5 आवर्स ऑफ एक्स्ट्रा. वन आवर गेट्स यू 5 आवर्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम बिकॉज यू विल बी मच इफिशियंट इन गेटिंग अदर थिंग्स डन. दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल. बट एट द सेम टाइम वन इम्पॉर्टेंट थिंग पीपल नीड टू रिमेंबर, सिर्फ यूटिलिटेरियन नहीं है मेडिटेशन, इज एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस. अगर आपने ध्यान नहीं किया तो आप जीवन के किन ही रहस्यों से वंचित रह जाओगे. यू विल नेवर बी एबल टू नो व्हाट लव इज, यू विल नेवर बी एबल टू एक्सपीरियंस द डेप्थ ऑफ डिवोशन, डेप्थ ऑफ जॉय, द ब्लिस. किन ही डीपेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ विल ऑलवेज, यू विल नेवर बी एबल टू बी वन विद देम. Meditation will give you that capacity to really enjoy life, really be blissful, really be in love. Otherwise, meditation missed, life is missed, love is missed, and everything is missed. You are just going towards grave without any knowledge of what you are doing in this life. So meditation is the only thing that gives you eyes of awareness, right, through which your perspective of life will change. And one who does not meditate will continue living like animal. He lives or does not live, that does not matter as much. It's more of existence, right? It's more of becoming aware of your existence, who you are. Once you are you know who you are, your contentment, your joy, your bliss, the fragrance of love that comes around you, you yourself will be surprised. Right. So, jaisa ki hum sab jante hain ki aap मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी जगह पर, काफ़ी डोमेन्स पर आपका फैला हुआ है बिजनेस भी, और एज अ फैमिली मैन, एज अ फादर और एज अ बिजनेस मैन, आप कैसे उतरते हैं, देखते हैं अपने आप को? हाउ आर यू एज अ फादर? सी, ये तो सवाल उसे पूछना चाहिए जिसका मैं फादर हूँ. क्योंकि वो बता पाएगी कि मैं कैसा हूँ. बट मुझे अगर बताना हो तो आई विल हैव टू टेल यू व्हाट आई हियर फ्रॉम हर, माय डॉटर. सो उसके लिए मैं कई बार स्ट्रिक्ट हूँ, कई बार हार्टलेस हूँ, एंड कई बार वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग. बट या थोड़ा बिजी हूँ, उसे ऐसा भी लगता है, ऐसा मैंने सुना है. बट अदरवाइज आई थिंक वी हैव अ ग्रेट फ्रेंडशिप, मी एंड माय डॉटर, वी आर ग्रेट फ्रेंड्स. हर ऑल हर फ्रेंड्स थिंक आई एम द कूलेस्ट डैड in whole group, so they enjoy coming to home and meet me and chat with me. So I think fairly well, I'm doing fairly well as a father. That's so, nice. That's good to know. Definitely, I always feel that I could do better, and that's just my personality. Every time I do something, I do thoda aur kar sakta. When you love someone, when you care for someone, you always feel that lack. कि शायद मैं इसके लिए और कुछ कर पाता. दैट ऑलवेज रिमेन्स इन मी, आई ऑलवेज फील दैट जो भी मेरे करीब है, मेरे दिल के करीब है, उनके लिए मैं कुछ ज़्यादा कर पाता. विश आई कुड हैव डन मोर. तो दैट विल ऑलवेज रिमेन. सेकेंड थिंग यू मेंशन अबाउट बींग फैमिली मैन, डेफिनेटली आई एम वेरी स्टबर्न. इफ यू आस्क माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, वेरी स्टबर्न, वेरी हार्ड हेडेड, very hot headed I used to be when I was a child. Lately after meditation things have changed a little bit, but definitely I'm very stubborn. I want things my way, I want to do things in a certain aspect of it. Little as a businessman I'm a little bit of perfectionist. So when I started working for family business, it was very difficult because initially when I used to be myself working as independent consultant in jobs and everywhere, it was easy. If you're a perfectionist, you're going to do everything right, and it's not that difficult. But now, when we start stepping out from a day-to-day role to management and executive, it's always a challenge, because now I cannot do everything. I have to make sure people get enough room and space to get things done. So I had to change myself dramatically. It took me years, a lot of support from my staff members who were with me then, there, and are still with me. They constantly gave me constructive feedback. I told them, every time you see me going in other direction, remind me. Yes, I have that hard-headed mentality of getting things done in certain way I want to get done. So they always reminded me,
and that made me a better businessman, better person to work with. So I give credit to a lot of people who I work with and who work for me to make me a better person to work with and better businessman. Same thing, my partners, investors and community members have supported us and our family to be a great business family and successful business family. And we would like to thank every one of you who are here at as the Panesha family members, Perfect Tax, Tacker Developers, and at the same time, community at large. Community at large has supported us. They have been with us through the journey, 20 years of being in Dallas Metroplex, and it's amazing. तो ये तो थी कुछ मेडिटेशन की बातें जो हमने आपसे पूछी और आपने हमें बताई, लेकिन अब मैं कुछ चाहूंगी आपसे ऐसे सवाल पूछना जो हमें आपको थोड़ा सा पर्सनली जानने का मौका देंगे। तो उसके अंदर हम खेलेंगे फन राउंड जो कि है एक रैपिड फायर राउंड। तो आपसे मैं जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगी और आपको फट से आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार। चलिए, पिज्जा या ढोकला? बहुत डिफिकल्ट है, पिज्जा की दुकान है, ढोकला मुझे अच्छा लगता है, सो व्हिच वन? आई थिंक ढोकला। चलिए, हाई देयर या केमचो? केमचो डेफिनेटली। सी साइड या माउंटेन्स? माउंटेन्स। हॉर्स राइड या कैमल राइड? हॉर्स। आपका फेवरेट हॉलिडे? So, too open-ended. Be specific. Choice दीजिए। नहीं, आपका कोई भी favorite holiday जो आपने आपको आज भी याद हो? याद हो? Colorado. Favorite dessert? हलवा। किसका? आटे का, सूजी का? आटे का। What is your biggest strength? My heart is my biggest strength. Okay. अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ कि जैसे हम बादाम, काजू, किशमिश का मौसम भी है, सर्दियाँ हैं, ठीक है, तो अब दिवाली आएगी, सब खाएंगे, तो आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप बादाम किशमिश खा रहे हैं और खाते खाते अचानक से गिर गए एक नीचे और कोई नहीं देख रहा, तो आप उठा के खाएंगे या नहीं? नहीं खाऊंगा। नहीं खाएंगे? नहीं खाऊंगा। चलिए ठीक है। अगर आप सुबह सुबह जल्दी में जा रहे हैं किसी मीटिंग के लिए, आपको अपने वार्डरोब, अपने क्लोजेट खोला, वार्डरोब से आपने अपना कोट निकाल के पहना कि निकाला और आपने देखा कि ओह ये तो फटा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि दिस इज नो ऑफ नो यूज टू मी, फेंक देंगे या फिर आप उसे बैठ के सिलेंगे, सिलवाएंगे और फिर पहनेंगे? अगर उस दिन अगर मुझे वही पहनना है तो चलेगा, फटा हुआ भी पहन लेंगे, किसी से छुपा लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं जब कोट निकालता हूँ दैट मींस आई हैव लास्ट मिनट बिफोर आई गेट आउट द हाउस। अभी एक मिनट के अंदर अगर मैंने देखा थोड़ा फटा हुआ है, किसी तरह से अगर छुपाया जा सकता है तो उसी को पहन लेंगे। मन उस पे आया तभी तो लिया है हमने हाथ में। ठीक है, तो ये थे पूर्वेश ठक्कर जिन्हें आज हमें पर्सनली जानने का मौका मिला, कुछ हद तक तो मिला। हमें ये तो पता चला कि इन्हें ढोकला पसंद है, चाहे ये पिज्जा बेचते हो और सबको पिज्जा खिलाते हो। तो ये थे पूर्वेश ठक्कर जिन्हें आज हमें पर्सनली, स्पिरिचुअली और बिजनेसमैन की तरह आज हमें जानने का मौका मिला, और हम इनसे गुड लक करते हैं, बहुत बहुत इनको बधाई देते हैं इनके 40वीं वर्षगांठ की, और साथ ही इनके सारे सपने साकार हों, सारे इनके गोल्स अचीव हों लाइफ को लेकर, यही हमारी शुभकामना है। और इसी के साथ ये आज का शो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, थैंक यू सो मच पूर्वेश, थैंक यू सो मच कामजी। थैंक यू गरिमा, थैंक यू कामजी, एंड थैंक यू एंटायर टीम ऑफ पनेशिया, टेकर डेवलपर्स, परफेक्ट कंपनी, द एंटायर कम्युनिटी, थैंक यू।